अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग आज जा रहे हैं अतरंग्स। अतरंग्स में अफशा की शूट है। और शूट क्या करेंगे अफशा? फज्जो का हाँ, मेरी जो सिस्टर है उसने जो अपना ये खोली है उसका ब्रांड, तो मतलब ड्रेस का ब्रांड है, लाइक सब ड्रेसेस वगैरह, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिलहाल अफशा की शूट के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे अफशा शूट करेंगी, अफशा के ब्लॉग में भी थोड़ा अफशा के शूट का जो BTS है, मतलब BTS ने अफशा जो शूट करेंगी वो आएगा, और मैं आपको बताऊंगी अतरंग्स में जो जो है और जो BTS है वो बताऊंगी आप लोग को। और फिल और आज यहाँ पे नवरात्रि का आखिरी दिन है, मतलब नवरात्रि हो चुकी है खेल के, पर आज सब गेम शोज वगैरह सब है, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो फिलहाल के लिए भी चलते हैं अतरंग्स, चलिए मेरे साथ में। ऑलमोस्ट हम लोग अभी पहुंचने आ गए, अभी फिलहाल तो हम लोग पहुंचे, जू क्रॉस कर दिया हम लोगों ने, बस अभी थोड़ा ही बाकी है, आने पर ही है अतरंग्स। अच्छा निकला नहीं आंखों से मेरे, मैंने लगाई वैसी थी, इसको कल मैंने रेडी की थी ना ये नवरात्रि के लिए। आपने तो देखा होगा इसके ब्लॉग में, अगर जिसने नहीं देखा है जाओ देखो, अक्षय ने ब्लॉग डाला है नवरात्रि का, इसका कल का जो इसे नवरात्रि खेली भी आप लोग के लिए, जो हमारे नॉन मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनके लिए उसने वहाँ पे नवरात्रि का पूरा जो भी था वहाँ पे हमारे तरफ भंडारा लगता है वो भी प्लस हर चीज़ उसे डालिए। तो जाओ देखो अक्षय शेख। और हम लोग को ना इंस्टाग्राम पे आईडी, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ करते होगा ना आपको हम लोग फॉलो। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी जो है शेख शबाना 064, और अक्षय की क्या है? अक्षय शेख विद डबल एच अक्षय शेख। तो अभी बस पहुँचने पर है, बहुत रिक्शा हिल रही है ऊपर नीचे तो भ्रो बढ़ रहे हैं। हाँ ना, मेरे को तो ऐसा लग रही है, मेरे को है ना जब मैं स्टार्टिंग में बैठी ना तो मेरे को ऐसा लग रही, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ना घोड़ा घाट में बैठी, वो बहुत ऐसे हो गए ना। चलिए फिर अतरंग से मिलते हैं। अरे बाप रे, वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास बता, आज स्टूडियो खाली है? खाली है, हाँ तो हम लोग आने वाले थे ना इसलिए खाली है। अतरंग इसको देखो। अरे खान भाई, सोल्टी भाई कैसे हो? अरे बाबा तू क्यों इतना बाप रे बाप। चलो अंदर जल्दी चलो। अरे नहीं बाबा, नहीं मेरी छत नहीं करना, यहाँ पे शूट करेंगे। हाँ कितना सब सारा मेरे हाथ में। अफशा भी रेडी होने जा रही है, अफशा का मेकअप स्टार्ट होने वाला है, और अफशा का मेकअप कर रहे हैं ये दो ब्यूटीफुल लेडी। क्या नाम है? आफरीन। और तुम्हारा? हैनान। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो मुंह पे नहीं आए समझने का, ये नाम आ नहीं रहा है तो न्यू है। अच्छा तो अभी अक्षय ऐसी बैठी है, फिलहाल बिगिन बिफोर चल रहा है अक्षय का, अभी स्टार्ट होगा मेकअप और फिर देखते हैं अक्षय को कैसी लगी। पीछे में कौन खड़ा है? पीछे कौन खड़ा है? चल तो ये अपना काम करेंगे। स्लो गया है बात। कॉफी आ गया सबके लिए, मैंने
हेलो हेलो तुम जो भी नाम है वो नाम जो डिफिकल्ट नाम वाले उसको मैं आईनल वो भी क्या होता है आईनल डिफिकल्ट बात करो काफी नानी ने बिना सोचे रखे तभी बहुत चल रहा था मेरा नाम बहुत चल रहा था शबानाज भी हाँ मेरा नाम है ना मेरी मम्मी ने शबानाज भी बहुत फॉर्म में चल रही थी ना इसलिए मेरा नाम शबानाज भी रखी पर मेरे को जरा नहीं पसंद आता सॉरी टू से पर मेरे को नहीं पसंद आता शबाना नाम मेरा वेलकम वेलकम तू कहाँ टर्न हो रहा है मेरे को टर्न होना है ओपो मम्मी किधर है मम्मी आज स्नोबी ने पकड़ लिया हमें स्नोबी पकड़ लिया यस इतना शांत क्यों है यहाँ पर देखो अफान मेरी हाइट का होने लगा है अभी अफान हाइट का भी ना हाइट से ऊपर जा रहा है कि मैं खड़ी हूँ ऐसी देख थोड़ा भी आने हो गए बच्चे बड़े हो गए बच्चे हमारे कंधे कंधे आने एक महीने में और बढ़ जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड कीप गोइंग यस और आज क्या खा के आए आज मैंने सुबह केएफसी खाया क्योंकि कल रात सुबह सुबह केएफसी खाया कल रात के 2 बजे मंगाया था फिर मैं सो गया था तो खाया नहीं था सुबह खा लिया गुड 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 तभी अफान की पढ़ाई एग्जाम हो गए ना अफान तेरे एग्जाम हो गए पढ़ाई सब माशाल्लाह से सब हो गया फ्री हो गया अभी अफान भी अपना ब्लॉग चालू करेगा अफान प्रमोट उसकी मम्मी को भी वो भी प्रमोट करेगा वो भी क्वेश्चन करेगा मम्मी को इसलिए उसकी मम्मी का सपना था उस बारे में कुछ बोलना चाह रहा है मेरा और अवेश भाई का मम्मी एक ड्रेस बना रहे अलग से उसका भी हम लोग डालेंगे भाई तो उसका आप सबको अफान के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा आजमा फैशन में तो चलो अभी इसकी मम्मी बाहर है मम्मी से मिल के आते हैं अच्छा लगा मम्मी का आइडिया जो मॉडल सब अपने घर वाले अच्छा आइडिया वेरी पर्सनल टच फॉर आजमा कलेक्शन बहुत मस्त है मैं तो बोलता हूँ मामी भी होना चाहिए मॉडल जो मोटे इंसान है वो भी पहन सकते बेटर है मतलब नहीं क्योंकि ऐसे होते हैं लोग बोलते हैं कि हम लोग आप लोग सब लोग दुबले पतले हैं नहीं तो सब साइज मतलब ऐसा होता है ना कोई जो मोटे इंसान सब दुबले पतले पहनेंगे तो हम लोग पे क्या सूट होगा हाँ हेल्दी बोलेंगे मतलब वो सोचते हैं ना हम लोग के ऊपर कैसा लगेगा ड्रेस तो एक बनाना चाहिए तो सही में आइडिया अच्छा है वेरी गुड हमारा मम्मी को बोल दिया हमारे नेक्स्ट मॉडल होने वाले हैं सुल्तान सुल्तान बैदा मामे एंड मामा वेरी थिन पर्सन ऑल्सो मिहिर अमन अनम सब टाइप सिंगम सिंगम ये सिंगम उसके मुच्छी के लिए अलग कॉस्ट्यूम बनाएंगे और देखना है मम्मी ये कलेक्शन मम्मी ने भी लाया और जो अभी कलेक्शन अभी मैं ट्राई करूँ देख किसको पहन ले स्नोबी गई है रेडी होने के लिए तब तक के हम लोग चलते हैं इनका थोड़ा सा फेशियल भी करने का तो हम लोग फेशियल करने जा रहे हैं हाँ इसलिए उन्होंने मेकअप नहीं किया है क्योंकि फेशियल करना था अभी फेशियल करेंगे उसके बाद ये अपना मेकअप करेंगे तो मिलते हैं हाँ वो नहीं करना चाहिए बेटर है वैसे भी नहीं करना चाहिए सुल्तान वाला बहुत सारे शूज है मतलब सबसे अच्छा ये वाला है ये है ना ट्रैविस स्कॉट हाँ साइड में भाई कौन सा वो सबसे ऊपर वाला हाँ वो वाला ट्रैविस स्कॉट मेरा हाथ नहीं जा रहा वो बहुत बहुत रेयर मिलता है ट्रैविस स्कॉट का है वो मतलब बहुत लोगों के पास है नहीं मतलब ये कस्टमाइजर नहीं नगमा दी वाला ये रहा नगमा दी ने जो बनाया था उनके चैनल पे है कहा गया वो है नहीं क्यों यहाँ लास्ट ईयर था इसलिए मैं बोला ये भी कस्टमाइज है पूरा ये भी कस्टमाइज्ड है फिर ये भी सब जैद का ही बना हुआ अवेश भाई का
नहीं नहीं बनाया यार, डिजाइनिंग है सर, क्योंकि उसका हाँ बहुत अच्छा है मशीन, ये भी अच्छा बनाया ऊपर, ऊपर का आइडिया उनका ही था। हाँ तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, इसको तो लास्ट में मैं वीडियो डाल के दिखाऊंगा कैसे वो निकल के आएंगे, और ये अब शूट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस क्या होने वाला है, और ये हाथ ट्रांजेक्शन अफान भाई, हम लोग जा रहे हैं और अफान शायद उसके गेम में बिजी है, पता नहीं क्या घूम रहा है, जा रहे हम लोग और तू बिजी है, तू क्या कुछ दिख रहा है कहीं यहाँ पे, देखो यार गेम खेल रहा है। अच्छा ये गेम खेल रहा है, ये गेम ऐसा है कि हम लोग कुछ पागल हो जाते हैं ना, वैसा वाला गेम है, ये ऐसा वाला गेम खेल रहा है कि वो नहीं क्या जो पहले चैनल पे चलता था, वो छोटा चेतन की जो पिक्चर आती थी, हाँ 3D वाली, तो जैसा हमारे सामने कुछ ऐसा चश्मा आया है और हम लोग ऐसा लगता है हमारे पास ही कुछ है, तो ऐसे ये ऐसा लगता है कि पागल हो गए, ये जो पागल हो जाते हैं ना वो ऐसे करते हैं। तो पागल लग ये देखो अभी सही हो गया, पहले पागल हो गया था, यूँ अभी समझ में आया। हाँ ये गेम ऐसा है लोगों को पागल कर देता है। नहीं बहुत ज्यादा गेम्स है, बट मैं जंगल भूत का नहीं है, देखो उसको सामने से कर ऐसा। हाँ ये देखो, ये पहनना होता है और ये अपने पास में से लेके ऐसे संभालना होता है, तो ऐसा लगता है कि पागल हो गए, जरूरत नहीं है, देखो ये पागल हो गए, देखो ये ऐसा है। ठीक है चलो बाय, अभी तुम हम कंटिन्यू कर, हम जा रहे हैं। बोलते ना हाई किस्मत, बोलते जहाँ पे हमको जल्दी पहुँचना होता है ना तो वहाँ पे अक्सर लेट होता है। अभी हमारे वहाँ का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और हमको जल्दी जल्दी जाने का, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे, 5 मिनट की दूरी पे ही था हमारा घर और रिक्शा हमारी बंद पड़ गई, तो रिक्शा वाला भैया बोलता आप लोग इधर उतर जाओ क्योंकि मेरी बैटरी का वायर कुछ टूट गया ना उसका, तो बस एंड पे पहुँचने आ गए थे। कैसे पहुँचने आ गए थे देखो, अभी चल चल के जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वो भी मैं ब्लॉग में ऐड करके, ऐड नहीं करूँगी एक्चुअली, नया ब्लॉग डालूँगी ये वाला ब्लॉग के लिए, तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ मेरा ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और मेरे चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड घंटी मत। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही, चलन की कोशिश करूँगी, देखकर अल्लाह हाफिज़। यहाँ से फिर दूसरा ब्लॉग आएगा, पहले वो आएगा उसके बाद ये वाला आएगा।